अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास का यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ टू बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमने ज़मीन के ऊपर दो बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो कितनी स्पेस ले रहे हैं? 500 सेंटीमीटर क्यूब। देन हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच 175 बॉक्सेस। अब खुद ही पता चल रहा है कि अगर बॉक्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब वो जगह भी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है और दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है तो वो कौन सा प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसे यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ बॉक्सेस है, सबसे पहले टू बॉक्स हैं, उन्होंने स्पेस कितनी ली है? 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बॉक्स हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं 175, तो वो कह रहे हैं कि वो कितनी स्पेस लेंगे ये फाइंड आउट करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन था इसलिए हमारा एक्स का एरो तो हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन में जाता है, तो दूसरा अगर हमारा एक एरो ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दूसरा एरो भी सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब हमारे पास 175 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह x डिवाइडेड बाय 500 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हमने क्या किया कि x फाइंड आउट करना है, तो x के नीचे जो 500 यहाँ डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस कटिंग करें, 2 1 2 2 2 4, 1 आगे कैरी किया, 2 5 10 एंड 0, ठीक है। अब 175 मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 से, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा? 43,750 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर 175 बॉक्सेस होंगे तो वो कितनी स्पेस लेंगे? 43,750 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज। एक कैंप के अंदर 200 मैन है, ठीक है, उनके लिए जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है? 60 डेज़ के लिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ़, हमारे पास दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस्ड टू 160, ठीक है। अब उन्होंने 60 डेज़ के लिए अगर ली है फूड, ठीक है, और आदमी कितने थे? 200, ठीक है। अगर आदमी कम हो जाएंगे तो इसका मतलब खुराक ज़्यादा दिन चलेगी, ठीक है, और अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो खुराक कम दिन चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट में है हमारे पास द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस, यानी आदमी कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो फूड है वो ज़्यादा दिन चलेगी, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोपोर्शन है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैन है 200, ठीक है, फूड थी हमारे पास 60 डेज़ की, ठीक है। अब मैन कम हो गया, 160 हो गया, तो इसका मतलब फूड हमारे पास ज़्यादा दिन चलेगी, ठीक है। अब एक्स हमने फाइंड आउट करना है कितने दिन फूड चलेगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। 200 डिवाइडेड बाय 160 इज़ इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब क्या किया है हमने कि ये 60 जो इधर डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है, 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 3 16, 2 8 16, फिर 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 600, 8 एज इट इज़ आ गया, 600 को डिवाइड किया 8 पर तो हमारे पास क्या आंसर आया है? 75, ठीक है। यानी अगर हमारे पास आदमी कम हो रहे हैं तो हमारी फूड कितने दिन चलेगी? 75 डेज़, ठीक है। फूड लास्ट फॉर 75 डेज, ठीक है। होम असाइनमेंट के लिए है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी, जो अभी मैंने सॉल्व नहीं किया वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। वहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं? द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज 240, हमारे क्या हो रहे हैं? आदमी ज़्यादा हो रहे हैं। जब आदमी ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब खुराक क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। ये भी कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच।